दासों में आप सभी का स्वागत है। सीजन वन के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि वैभव ने महेश्वरी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है और अब हम आते हैं सीजन टू पे। स्टार्टिंग सीन में हम सूरज को उगते हुए देखते हैं। उगते हुए सूरज को देखकर हमें लगता है कि इस बार थोड़ी बहुत रोशनी तो दिखने वाली है, बट नहीं यार, वही ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया होती है। महेश्वरी क्लासेस का पहला लेक्चर डे सुश्रुत और वैभव अटेंड करते हैं और महेश्वरी जी लेक्चर दे रहे होते हैं। जेई में अपेयर करने के लिए हर साल 11 लाख बच्चे आते हैं और IIT 4886 बच्चे ही पहुंच पाते हैं यहाँ तक। तो कितना परसेंटेज हुआ? सर वो 0.44%। अब भाई ये सुनकर वैभव और सुश्रुत का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। महेश्वरी इन बच्चों को इतना डराता है कि इन बच्चों का फट के फ्लावर हो जाता है। महेश्वरी कहता है कि अपने आसपास के चेहरों को देख ले। अब भाई सारे बच्चे चेहरे देख लेते हैं। ये चेहरे चेहरे नहीं, तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। अब ये बात सुनने के बाद इन लोगों का फटके और ज्यादा फ्लावर हो जाता है। इसके बाद इन लोगों की जब क्लासेस शुरू होती है तब देखने को मिलता है कि वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। क्लासेस खत्म होने के बाद वैभव जब अपने रूम में आता है तभी सुश्रुत की मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम टेंशन में होती है क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र होती है क्योंकि उसका बेटा रो रहा होता है। इसी बात को चेक करने के लिए वैभव उसके रूम में जाता है। वहां जाकर जब वैभव देखता है तब सुश्रुत को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सुश्रुत कहता है, भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि IIT क्यों करना है ये भी मालूम नहीं है। अब ये सुनने के बाद वैभव भी परेशान हो जाता है, बट इन दोनों से ज्यादा परेशान प्रोडोजी के बच्चे हो जाते हैं क्योंकि वहां पर फिजिक्स के क्लासेस लेने के लिए उनके पास कोई टीचर नहीं होता है क्योंकि जीतू भैया ने प्रोडोजी को छोड़कर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला है। इसके बाद देखने को मिलता है कि सारे बच्चे जीतू भैया के इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और वहां पर सुश्रुत और वैभव भी पहुंचते हैं और वहां पर जीतू भैया उन सारे बच्चों को अपने स्टाइल में ऐसा सॉल्यूशन देते हैं कि उनके सारे प्रॉब्लम्स का निपटारा एक ही भाषण में हो जाता है। सभी बच्चों को सॉल्यूशन मिल जाता है जिसके बाद वो लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, बट साथ ही में वो जीतू भैया के क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे देखने को मिलता है कि वर्तिका और वैभव की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं जम रही होती है। अरे इसकी केमिस्ट्री छोड़ो, वैभव की तो फिजिक्स भी अच्छी नहीं जम रही होती है। अब वैभव महेश्वरी क्लासेस ज्वाइन तो कर लिया है बट उसे फिजिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपने टीचर से बचते बचाते जीतू भैया का क्लासेस ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। बट महेश्वरी के रूल के हिसाब से गेट 2 बजे ही खुलेगा, जिस वजह से वैभव अपना सुपर ब्रेन इस्तेमाल करता है। वो जाकर गार्ड को 20 रुपए देता है, बट 20 रुपए में भाई गार्ड तो क्या गरीब भी नहीं मानेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए वो उदय के पास जाता है कि भाई ये 20 रुपए में गार्ड तो मान ही नहीं रहा है। अब उदय भी अंदर ही अंदर सोच रहा होगा। उसके बाद उदय कहता है कि भाई इतने पैसों में वो नहीं मानने वाला है, थोड़े ज्यादा लेकर जा। और वहीं दूसरे तरफ जीतू भैया अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करता है और उससे पैसों की मदद मांगता है अपने इंस्टीट्यूट को बनवाने के लिए, और उन्हें अपने दोस्त से थोड़ी सी मदद मिल जाती है। बट असली सीन तो वैभव के साथ हो जाता है। वो जैसे ही 500 रुपए लेकर जाता है गार्ड के पास, गार्ड कहता है कि जाओ तुम्हें महेश्वरी सर ऊपर बुला रहे हैं। अब वैभव डरा सहमा सा जाता है महेश्वरी सर के पास अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। महेश्वरी सर उसके सारे प्रॉब्लम्स को सुनते हैं जिसके बाद वो जीतू भैया के क्लासेस को अटेंड करने के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद वो जीतू भैया का क्लासेस अटेंड करने के लिए जाता है और वहां पर उसे वर्तिका के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। अब भाई कब तक इंसान पढ़ाई 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 करता रहेगा, उसे पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। वैभव को छूट देने के बाद महेश्वरी इंस्टीट्यूट के पास एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। बाकी बच्चे भी महेश्वरी सर के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, सर आपने जो ये नया टीचर लगाया है ये पढ़ाते बहुत अच्छा है बट इनकी बातें हमें समझ में नहीं आती है। सर माना सर ये हिंदुस्तान के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े टीचर है बट इनकी बातें जब हमें समझ में नहीं आती है सर, हम आगे क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं सर। वाह मोदी जी वाह। अब महेश्वरी सर इस गंभीर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। वो चाहते हैं कि अब जीतू भैया उनके इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाए, पर सवाल तो ये है कि जीतू भैया ने खुद का इंस्टीट्यूट खोला है तो अब वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। बात तो सही है। अब आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि भाई वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। बट वहीं दूसरी तरफ जीतू भैया को अपने इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए एक मैथ का टीचर। इसके लिए जीतू भैया ब्रिलियंट एक्सलेंट गगन सर को अपने यहाँ पर रखने का प्लान करते हैं, बट गगन सर का तो अलग ही हिसाब चल रहा होता है। गगन सर कहते हैं, देखिए आपकी बात सही है, हम काम करने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए आपको 2 साल का एग्रीमेंट बनवाना होगा और 25 लाख रुपए देने होंगे एडवांस में।
जीतू भैया शॉक। जीतू भैया मनी मन सोच रहे हैं कि भाई अब गरीब नहाएगा क्या और खाएगा क्या, खुद ही पैसे कम पड़ रहे हैं और ऊपर से ये 25 लाख, तो अभी के लिए ये ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। बट वही आगे देखने को मिलता है कि महेश्वरी सर अपना ऑफर लेकर जीतू भैया के पास आ जाते हैं। महेश्वरी सर अपने स्टाइल में, हे जीतू मेरे अंडर काम करेगा क्या? पर जीतू भैया भी कहते हैं कि अब सर पैसे कमाने के लिए इंस्टीट्यूट थोड़ी ना खोला है, हम तो पढ़ाना चाहते हैं इसलिए इंस्टीट्यूट खोला है। तो किसी तरह से ये ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद वो फाइनली गगन सर को अपने यहाँ पर रखने की ठान लेते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। कहानी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, तो भी देखने को मिलता है कि वैभव क्लास में ही सोने लगता है और वहीं जीतू भैया अपने इंस्टीट्यूट का काम करवाने के लिए पुराने स्टूडेंट्स को बुलवाते हैं। आगे देखने को मिलता है कि जीतू भैया के क्लासेस में वैभव बहुत ज्यादा सो रहा होता है, तभी जीतू भैया उससे पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है। वैभव कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जिस बात को सुनकर कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जाकर अभी अपना चेकअप करवाइए। इसी चेकअप के दौरान पता चलता है कि वैभव को जॉन्डिस हो गया है। वैभव को कहा जाता है कि अपना ध्यान रखे, अपने आप को सुरक्षित रहे, साफ सुथरा खाना खाए, बट वैभव इन सभी चीजों को नहीं कर पाता है। जिसके बाद जीतू भैया उसे फाइनली कहते हैं कि तुम अपनी माँ को बुलाओ। तो किसी तरह वैभव की माँ आ जाती है और वैभव का देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है तभी देखने को मिलता है कि वैभव ठीक हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। तो अब फाइनली वक्त आ चुका है जिन्होंने इस साल IIT का एग्जाम दिया था उनके रिजल्ट का। महेश्वरी को पता था कि उनका कौन सा स्टूडेंट टॉप कर सकता है, जिस वजह से वो उस स्टूडेंट का बैनर पहले ही लगा देते हैं। बट आगे देखने को मिलता है कि उत्सव नाम के लड़के ने टॉप किया है, जिसके बाद उस पुराने लड़के के बैनर के ऊपर उत्सव का बैनर चिपका दिया जाता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोटा में किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। और वहीं देखने को मिलता है कि प्रोडजी वाले अपने एक स्टूडेंट को टॉप 50 में लाने के लिए पैसे खिलाने के लिए भी तैयार होते हैं। इन लोगों को देखकर मुझे शाहरुख सर का एक डायलॉग याद आ गया, गंदा है पर धंधा है। बट वहीं मीडिया वाले भी पीछे नहीं होते हैं। एक मीडिया वाला एक बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तब वो बच्चा कहता है कि मेरे पिता डॉक्टर है। तब वो मीडिया कर्मी उसे कहता है कि तुम ये कहो कि तुम्हारे पिता एक कंपाउंडर है, जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि मेरे पिता कंपाउंडर है। इस बात को वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी से हमें देखने को मिल जाता है कि मीडिया कर्मी अपना मार्केट अपने तरीके से करते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तो तब देखने को मिलता है जब पता चलता है कि जीतू भैया के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाली सारिका मैम पढ़ाने से पहले ही इस इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा चुकी है। महेश्वरी का बच्चा टॉप कर लेता है, किसी तरह से महेश्वरी का कॉल आता है, जिस वजह से वो महेश्वरी को ज्वाइन कर लेती है। बट वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि जो बच्चा टॉप 4 में आया वो भी अपने रैंक से खुश नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको कितना भी दे दे आपका मन नहीं भरने वाला है। बट वहीं दूसरी तरफ जीतू भैया को देखने को मिलता है कि वो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, सारिका मैम को जाने के बावजूद उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर एक जगह पार्टी करते हैं। बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपने ही स्टाइल में उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी चल रही होती है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, बट उसी दौरान एक कॉल आता है। जीतू भैया को ये पता चलता है कि उनके एक स्टूडेंट मृणाली ने सुसाइड कर लिया है और इसी के साथ ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।